राजधानी में सूफिया हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने अभी ठीक से जश्न भी नहीं मनाया था कि तभी बोकारो में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। एक महिला का शव मिला, शव एक गड्ढे में मिला। शव के पास कई ऐसे सामान मिले जो इस मौत के पीछे की कई कहानियां बता रहे हैं। किसकी थी वो लाश, क्या क्या मिला शव के पास, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर अहले सुबह बोकारो के लोगों को दिखी। एक गड्ढा था और गड्ढे से एक शव का पैर बाहर नजर आ रहा था। ये गड्ढा रेलवे ने मोरम के लिए खोदा था, पर इस गड्ढे से एक शव का पैर बाहर था और एक कंकाल भी पास में पड़ा था। जब हम मॉर्निंग में, तो मुझे कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे ट्रैक के उस पार कुछ बॉडी मिला है। तो जैसे ही पता चला, मैंने तुरंत अपना बाइक के साथ साइट पर पहुंचा, यहाँ के सूचना को सही पाया और फिर तत्काल मैंने थाना प्रभारी को सूचित किया। थाना पर प्रभारी 15-20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुँच गए और उसके बाद बाकी प्रक्रिया शुरू हुई, जो पुलिस की अपना काम है वो कर रही है। गड्ढा जो हुआ है, बगल में रेलवे का काम चल रहा है, तो वो लोग मोरम का सैंपल के चलते गड्ढा खोदा था। ये पहले का ही गड्ढा है, जो रेलवे के लोगों का कहना है कि हम लोग एक महीना पहले यहाँ सैंपल वैंपल के लिए खोदे थे, गड्ढा उसी गड्ढे में डाल दिया। सूचना पर थाना प्रभारी पहुंचे, प्रशासन पहुंचा, डॉग स्क्वाड पहुंचा, SDM पहुंचे, SP पहुंचे और फिर JCB बुलाकर बहुत आहिस्ते आहिस्ते गड्ढे को खोदा गया और शव को बाहर निकाला गया। सुबह में पुलिस को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्राह्मण द्वारिका जो गांव है, उसमें एक महिला का शव दिख रहा है। तो हमारी पूरी टीम उसके बाद से यहीं पे है। अभी महिला जो है, अज्ञात महिला, उसके शव को निकाला गया है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, अभी उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि इसकी डेड बॉडी है। उसके बाद जो फर्दर जो इसमें कार्रवाई होती है वो हम लोग इस तरह से की जाएगी। सर, क्योंकि ये बाहर की है कि क्या है, कुछ इस तरह की जानकारी नहीं? अभी तो जैसा कि आपने देखा, 5-10 मिनट पहले 2-3 घंटा लगा उसको डेड बॉडी को निकालने में। तो पहले एक बार वो आइडेंटिफाई हो, उसके बाद ही हम कुछ कंफर्म बताने की स्थिति में। ऐसा भी दुष्कर्म के बाद नहीं, ऐसा प्राइमा फेसी कोई ऐसा एविडेंस नहीं लग रहा है। दुष्कर्म की कोई बात ऐसी अभी नहीं लग रही है, बट ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैंने एक बार कोई, हम लोग थोड़ा समय लेंगे इसमें, तभी कुछ बता पाएंगे। उससे चप्पल भी मिला है, मंगलसूत्र है, धागा है, वो मंगलसूत्र है या धागा माला है अभी नहीं कन्फर्म है। आप जैसा देख रहे हैं, हमारे FSL की टीम, CID की टीम, सभी की टीम यहाँ उपस्थित है। जो होना चाहिए, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। कि ये तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, पर प्रथम दृष्टया जो है, जो हम लोग यहाँ पे देखें कि कोई भी अनैचुरल डेथ होता है तो उसमें एक मजिस्ट्रियल जो इन्क्वेस्ट होता है, उसी प्रक्रिया के तौर पर हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। शव महिला का था, साथ में एक पशु का कंकाल था। पुलिस को चप्पल मिली, पुलिस को एक माला भी मिली। पुलिस को यह शक है कि यह मंगल सूत्र भी हो सकता है। प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का मामला प्रतीत नहीं होता। पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। महिला की पहचान भी नहीं हो पाई है। अब इंतजार महिला के शिनाख्त का है। शिनाख्त हो, जिसके बाद ही जांच आगे बढ़े। अभी तो बहुत सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस जुटी है। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।
इस हत्याकांड के खुलासे का इंतजार सभी को है। सारे सवालों के जवाब के खुलासे पुलिस जल्द करेगी, ये उम्मीद है। मगर भरोसा रखिए, खुलासा चौंकाने वाला होगा। मुखबिर में जुर्म की दास्तां में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जल्द होगी मुलाकात जुर्म की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।